गंगा की नगरी हरिद्वार में है हम। कहते हैं यहाँ आने से ही पाप धुल जाते हैं, लेकिन सियासत के पाप पुण्य का हिसाब जब जनता करती है तो उसका नतीजा बिल्कुल उलट होता है। तो आज बैलेट ट्रेन में हरिद्वार से सहारनपुर तक के सफर में हम हिसाब करेंगे जनता के साथ आने वाले चुनावों में किसकी सरकार। उत्तराखंड का ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा, वाह क्या कॉम्बिनेशन। पर आज तो बात ही कुछ खास है, वो इसलिए क्योंकि आज के सफर में बैलेट ट्रेन 2019 जहां से गुजरेगी वो इलाके ज्वलंत राजनीति वाले हैं। तो बैलेट ट्रेन 2019 से आज नजर मत हटाइएगा। तो आपकी जो राय है इस बार क्या राय है? इस बार ये राय है कि देश के लिए कौन अच्छा कर सकता है, जो अच्छा कर सकता है हाँ, और जो कठोर नियम ले, कठोर डिसीजन ले उसके लिए हाँ। तो कौन अच्छा कर सकता है? नाम मत बताइएगा, पर इशारे इशारे में बता दीजिए अब तक अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है। नाम बताने की क्या जरूरत है, उसमें जो है वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, नाम बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन नाम इन्होंने बता डाला है नरेंद्र मोदी। ये बताइए कि क्या वजह है, जैसे आप भी कह रहे हैं मोदी, क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया उसने, और मतलब आज देश की तरक्की हो रही है, सभी देखो यहाँ देखो वहाँ पे हिसाब से मतलब मोदी को ना, कांग्रेस ने जितने 40 साल रहे जो भी उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया जाता जो मोदी ने किया। हाँ, पिछले 5 सालों मुद्दा भले ही पुराना है लेकिन नोटबंदी की टीस वोटर में अभी भी बाकी है। आप क्या कहते हैं जनाब? नोटबंदी बहुत अच्छा काम हुआ, हम तो बैंक वाले हैं, हम बैंक अच्छा। वाले हैं इसलिए नोटबंदी बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, अगर बैंक वाला ये कह रहा है कि नोटबंदी अच्छा काम है तो वाकई अच्छा रहा होगा। वैसे जब नोटबंदी अच्छा लागू हुई थी तो जनता बहुत परेशान हुई। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, हम भी बहुत आप भी परेशान, हम भी बहुत परेशान हुए थे, पर फिर भी मतलब वो क्या है उससे आतंकवादियों को कम मतलब पैसों की दिक्कत आई है, मतलब अच्छा रहा। अच्छा, ये हिसाब आपने कैसे लगाया कि नोटबंदी हुई तो आतंकवादियों को पैसों की दिक्कत है? हमने ये सब सुना, मतलब यहाँ को वहाँ हमारे इलाके में तो ये है ही नहीं। अच्छी बात है। हाँ, देश में 30% तो नकली नोट चल ही रहे थे। हाँ, जो पर प्रतिबंध लग चुका है वो लग गया, बिल्कुल लगा है उस पर। लेकिन आप जैसे बैंक में हैं तो आपके पास जनता जब आती थी लाइनों में लगी होती थी नोट बदलवाने के लिए, उस टाइम ये नहीं कहती थी सरकार ने परेशान कर दिया, बहुत दुखी हो गए? ऐसा था ना, थोड़ा बोलते थे, फिर हम उनको समझा देते थे, वो समझ जाते थे चीज को। और आपको भी रात रात भर काम करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा ना, हम लोगों को करना पड़ा काम। हमने बिल्कुल क्या सरकार आ गई नोटबंदी? नहीं नहीं, ऐसा खुशी होके करा हम लोगों ने, ऐसा खुश होके करा, हाँ बिल्कुल किया हम लोगों ने। आप किस तरह से आते हैं रोजगार के फ्रंट पे, सरकार को कितने नंबर देना चाहिए? रोजगार से मतलब ये कि हर काम सरकार नहीं करे, जैसे एक स्टेटमेंट आया था पकोड़े वाला, तो उसमें गलत क्या था? अगर आप खुद करिए और दूसरों 10 को रोजगार दीजिए वो ज्यादा अच्छा है ना। हर बार सरकारी नौकरी पे करने पे जाइए, जैसे अभी हमारे पिताजी बैंक में है, तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं रहता है कि काम नहीं करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है भाई। इस बार तो इस साल तो बहुत करना पड़ा, तो इसलिए जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा क्रीम जॉब के बजाय ऐसा जॉब ढूंढिए जो आपके लिए भी सेटिस्फेक्शन हो प्लस दूसरों को भी जॉब दे, मतलब खुद के लिए रोजगार पैदा कीजिए। तो वो स्वरोजगार योजना चलाई भी उसी के लिए गई थी बिल्कुल। तो स्टार्टअप्स का जो दौर आया है वो 2014 के बाद आया है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन क्या स्टार्टअप्स की वजह से रोजगार पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी एक सवाल है। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए जो स्वरोजगार योजना जिन्होंने अपनाई या नए नए स्टार्टअप शुरू किए, बहुत चल नहीं पाए, तो वो लोग बहुत नाराज हैं। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? वो तो मेहनत और किस्मत पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि क्या नाम से, जरूरी नहीं कि आप हर चीज करो तो आप सक्सेस ही हो, ऐसा बिल्कुल। जैसे जब लोग कहते हैं ना कि नौकरियां नहीं है, अवसर नहीं है, तो किसी ने कहा है अगर आप योग्य हैं तो आपके लिए हर स्थान रिक्त है, यानी कि अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप अपने लिए काम ढूंढ भी लेंगे, तो फिर सरकार से शिकायत क्यों करनी। लेकिन हर कोई संतुष्ट हो ये मुमकिन नहीं है, तो चलिए डब्बा बदलते हैं, हो सकता है राय बदल जाए, कुछ असंतुष्ट भी मिले हमें। आपसे अगर मैं पूछूं कि अभी जो देश के हालात हैं, आपके शहर के जो हालात हैं, उसमें आप कितने संतुष्ट हैं? अभी मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये चुनाव पूर्ण नहीं हो जाता कैसे पता चलेगा? चुनाव ही तो पूर्ण कराने हैं जनता को। लेकिन ये भी चुनाव में ऐसा चल रहा है कार्यक्रम ना कि किसको वोट दी जाए किसको वोट ना दी जाए, दुविधा है अभी, दुविधा तो बनी हुई है। चलिए ये अच्छा है कि दुविधा है, यहाँ तो बहुत लोग मन ही बना के बैठे। नहीं, मन तो बना के बैठे अच्छी बात है,
बीजेपी के प्रति सबकी निष्ठा है अच्छी, भाई सब लोग बीजेपी को वोट दें, ये मेरी भी इच्छा है, लेकिन उस कुछ हालात को सुधारें तो थोड़ा अच्छा लगेगा हम सबके लिए। सत्य वचन बंधु सत्य वचन, किसी की निष्ठा बीजेपी तो किसी की कांग्रेस के साथ है, लेकिन हमारी निष्ठा वोटर के साथ, और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने लिए सरकार चुने, क्योंकि आपके एक वोट में बहुत ताकत है। गायों को लेकर बहुत काम हो रहा था, मथुरा में गायों की क्या स्थिति है? गायों की स्थिति तो अब के गायों की स्थिति ज्यादा नाजुक हुई है, खराब हुई है पहले से? आओगे पहले से सबसे ज्यादा खराब अब की ही वर्ष हुई है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने ये लगा दिया गायों को हम गौशाला में बंद कर रहे हैं वैसे, और पहली बार इससे पिछली साल वो गाय जो है छुट्टा चढ़ा करती थी किसानों को खेतों में, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी, वो इधर से इधर कर देता था। अब के गवर्नमेंट का नियम बना दिया कि हम गौशाला भेज रहे हैं, गाय जो देसी गाय है उसे गौशाला वाले दे रहे हैं, और जैसे कि जर्सी गाय हैं, सांड हैं, उनको कोई भी गौशाला वाला स्वीकार नहीं कर पाता है। तो वो अभी किस स्थिति में है? इधर उधर ही घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसान मारता है पीटता है और फिर इधर उधर चले जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो इन्होंने जो इतनी योजनाएं बनाई उसमें कुछ हुआ नहीं? गाय अभी सड़कों पे भटक रही है, अभी भी सड़कों में। मथुरा में तो हमने बहुत मतलब जगह जगह आपको गाय दिख जाएंगी। गौशाला बनाई है, गौशाला दी है जी, परंतु उनमें गौशाला बनाई है, जो गौशाला पुरानी चल रही है उनमें गायों की कोई व्यवस्था लेने के लिए नहीं है। योगी जी सुन रहे हैं आप, आपकी नाक के नीचे गौशालाओं की मनमर्जी चल रही है, आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुछ कीजिए हुजूर, चुनावी मौसम है, वोटर राय कायम करने में अब वक्त नहीं लगाता। कहाँ से हैं आप? हम लोग इंदौर से हैं। इंदौर से हैं, इंदौरी आमतौर पर खुशी रहते हैं वैसे मैंने देखा है। हमारे ताई है ना वहाँ। ताई है, ताई ने खुश रखा हुआ है। ताई मतलब सुमित्रा महाजन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, क्लीनेस्ट सिटी नंबर वन, तीसरी बार नंबर वन आया, तीसरी बार नंबर वन। अच्छा लगता है ना जब अपने शहर को हर बार होता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। ये जो तीसरी बार आया है नंबर वन, इसमें कितना हाथ नगर निगम का है और कितना इंदौर की आम जनता का है? समझो दोनों का है, इतने महापौर हमारी है जो, उनका भी मालिनी गोड़ जी है, उनका भी ज्यादा सहयोग है, लेकिन जनता ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत कोऑपरेट। स्वच्छ भारत, गांधी जी का सपना, मोदी जी की जनता को सलाह और जनता की जागरूकता, लीजिए स्वच्छ हो गया भारत। इंदौर की कहानी तो कुछ ऐसी ही है, तीसरी बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। भाई साहब सुधीर चौधरी के फैन लगते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सुधीर सर जो हैं न्यूज़ देते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं और मेरे फेवरेट हैं वो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, बिल्कुल अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। और मैं उनका, इनकी पत्नी नहीं देखने देती लेकिन मेरे पति का नाम संतोष कुमारी है, और उनसे आप कहिए कि कम से कम थोड़ा सा तो मुझे आधा घंटे का जो देखने दें, और जैसे जैसे खाना जो तभी पसता है तब डीएनए देखते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं या सीरियल देखते हैं? एक्चुअली हम यहाँ नहीं रहते, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। अच्छा, आप न्यूयॉर्क में? पर आता है, जी टीवी हमारे पास आता है, आता है? हाँ जी। अच्छा, जी टीवी देखते हैं हम, न्यूज भी देख लेते हैं और उसमें सीरियल भी देखते हैं। सीरियल भी देखते हैं? हाँ जी। तो घर में कंपटीशन होता है कि सीरियल चलेगा न्यूज चलेगी? नहीं जी, सबके अपने अपनी टीवी है, जो मर्जी लगा ले, जो मर्जी लगा ले। सेम ही ऐसे, ऐसे ही आप भी करती हैं? अच्छा, पर वैसे ज्यादा देखने में मजा क्या आता है, एंटरटेनमेंट चैनल या न्यूज चैनल? दोनों सेम है, दोनों भी एंटरटेनमेंट ही आजकल, न्यूज भी एंटरटेनमेंट हो गई है। नहीं, न्यूज में, न्यूज वैसे इंफोटेनमेंट ज्यादा है। मनोरंजन की बात ये तो खूब हुई, अब चर्चा कुछ चुनावी हो जाए। क्या सोच के किस हिसाब से वोट देंगे, किसको देंगे वो मत बताइए, पर किस हिसाब से देंगे बताइए। जो बेसिक मुद्दों पर सरकार काम करे, मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पब्लिक का जीवन स्तर कैसे सुधरे। पब्लिक मर रही बहुत जाए, सरकार भी वहाँ नहीं पहुँच रही, वहाँ नहीं पहुँच रही। गाजियाबाद में ये हालात है, बिल्कुल दिल्ली से एकदम सटे हुए हैं आप, तो तब भी काम नहीं हो रहा है। सरकार क्या करती है, कितने लोग वोट मर रहे, बैंक साइड चल रहे, कोई एक्शन नहीं, क्यों नहीं हो रहा? एक चीज हो रहा है, जैसे ओल्ड पेंशन का चल रहा है, तो उस पर भी एक बार जो है मोदी जी जो है देखें, या जो भी सरकार में है, क्योंकि वो बहुत परेशानी, नहीं ओल्ड पेंशन जो पुरानी यहाँ पेंशन थी, एनपीएस जो है उससे भी बहुत आहत है, जैसे कि उनके बाद जो है पेंशन बनी है किसी 1400 किसी 1500, तो उससे
मतलब 60 साल तक तो हम नौकरी करते हैं, उसके बाद हमारी जीविका कैसे चलेगी, उसके लिए ओल्ड पेंशन होना बहुत जरूरी है। आप न्यूयॉर्क में रहती हैं कि आपको पता है किस तरह के न्यूयॉर्क में आप देख ले क्या कंडीशन है मोदी जी की, हम तो क्या गए इंडिया वाले, हापुड़ से लेके न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क में बैठे हैं लोग क्या, कैसे आप परसेप्शन कैसे बनाते हैं कि मोदी जी, जैसे आपने कहा हम देखते हैं ना न्यूज में व्हाट इज इट डूइंग, पढ़ते हैं सुनते हैं एंड वी नो वेयर इज इंडिया इज नाउ, जो अगर आपके नहीं चलेगा तो इंडिया आपका 10 साल पहले या 5 साल पहले सब ऐसा ही रहेगा। तो 5 साल में फर्क पड़ा बहुत करा है, हम तो बाहर से आए ना, देन वी नो कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, देखो जो ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं होती, व्हाट ही इज डन नोबडी कैन जी। इंटरनेशनली भी जैसे आप लोग हैं इंडियंस लेकिन रहते न्यूयॉर्क में है, परसेप्शन चेंज हुई है पहले से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का नाम जब कोई इज्जत से लेता है ना तो गर्व होता है, दिल्ली में होता है ना गर्व। अच्छा, हर ट्रेन में एक ऐसा ग्रुप होता है जो रोज यात्रा करता है, आइए आज उनसे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। 2014 में जो लहर थी अभी उससे बढ़कर उससे बढ़कर लहर बिल्कुल बढ़ गया जी, बहुत ही क्लियरिटी आई गई, जो हुई है उसके कारण से लहर बढ़ी है, बहुत अच्छी चीज बता रहा, तो मतलब आप कह रहे देश का मूड बदल रहा है, मूड बदल रहा है जी, भाजपा पक्ष में बदल रहा है, मोदी जी पक्ष में बदल रहा है, पक्ष में बदल रहा है जी, बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी की छवि और उनकी जो अपने एक मतलब कार्य करने की जो प्रणाली है, योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजना, इंटरनेशनल लेवल में जो इंडिया का जो पोजीशन बना है वो बहुत बढ़िया बना है और सभी लोग इस चीज की कदर कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो पहले गाली देते थे कांग्रेस को, अब उनके साथ समर्थन कर रहे हैं कि बल्ले हमारे साथ आ जाओ कांग्रेस वाले, पहले गाली देते थे उन्हें। अच्छा, इंटरनेशनल छवि की आपने बात की, चाइना अभी भी साथ नहीं है, आपने मसूद अजहर के मामले में देख लिया कि उसने अभी फिर रोक दिया है, ना हो जी, और दो कंट्री सभी साथ में है और सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है, है ना जी, और विदेश नीति क्योंकि बहुत अच्छी है तो इसमें उम्मीद यही है कि हर तरह से बिल्कुल आज नहीं तो कल उसको छूना ही पड़ेगा और भारत के पक्ष में आना ही पड़ेगा सबको, अभी देश के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़ी है, पहले इतना नहीं था लेकिन अभी देश प्रेम की भावनाएं लोगों के अंदर बढ़ी है और वो एक कारण है कि मोदी जी की लहर कायम रहेगी, भावना सबसे बढ़िया है जी, तो देश प्रेम की भावना वैसे ही अपने आप चेंज होगा। वैसे ये भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यहाँ पर जो है यहाँ समर्थक है बीजेपी के तो उन्हें लग रहा है ईवीएम पे सब वही बटन दबाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि लोकतंत्र है भाई, बाकी पार्टियां भी लड़ रही हैं, उनको भी थोड़े बहुत वोट मिलेंगे। लीजिए, चर्चा चटखारेदार शुरू हुई और हमारा स्टेशन भी आ गया, आपके लिए एक विशेष सूचना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, धन्यवाद। और सहारनपुर आ गया हमारा गंतव्य स्थान, बैलेट ट्रेन का आज का सफर यही खत्म होता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जो सत्ता के समीकरण बनाने, बिगाड़ने और प्रधानमंत्री तय करने में अपना अहम योगदान देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी चुनौती है, दावेदारी में लड़ रही कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, सपा बसपा के गठबंधन के लिए भी चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच जनता अपनी राय कायम कर रही है, इसीलिए बैलेट ट्रेन देखते रहिएगा, वोट देने जरूर जाइएगा। आज का सफर हरिद्वार से सहारनपुर तक यही